सर नमस्ते। नमस्ते सर बोर गोट फार्म है आपका, ये फलटन में है, सातारा डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन का नाम बताइए ना सर, कहाँ पे है ये? सर। फलटन सिटी से 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, हाईवे के पास ही है। फलटन पूना जो हाईवे है उधर ही फलटन सिटी से 5-6 किलोमीटर पे है। सर आपने ये गोट फार्म कब से स्टार्ट किया था सर? ये 5 साल हो गए आज स्टार्ट साल किया हो है। गए, हाँ, पर बोर में ही आपने इंटरेस्ट क्यों दिखाया सर? बाकी बहुत से बोर ब्रीड्स है में मार्केट में। अभी सबसे अच्छा गोट फार्म में ब्रीड अगर बोलेंगे आप तो बोर ही है, और पैसा भी अच्छा मिलता है और वेट गेन भी अच्छा है और कम दिन में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है इसमें बोर में कम दिन में ज़्यादा इनकम ज़्यादा। आ रहा है हाँ, सर। और पर बाकी के गोट फार्म भी कुछ अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बीटल है और बाकी जो हर नॉर्मल आदमी की ब्रीड। पसंद रहती है, अपने अपने हिसाब से लोगों का रहता है। पर ये सर बोर की ऐसी क्या खासियत है जो इसका रेट इतना हाई जाता है सर? ये जो है अफ्रीकन ब्रीड है, ये इंडियन नहीं है, अच्छा और इसका सबसे ज़्यादा वेट गेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब वेट इसका अच्छा बढ़ता है, कम दिन में ज़्यादा वेट गेन पकड़ता है ये। ओके। अपने फार्म पे सर यहाँ पे छोटे किड्स सेल करते हैं या बड़े फीमेल भी सेल करते हैं सर आप? बड़े फीमेल भी मिलती है अगर किसी को चाहिए तो, और छोटे किड्स भी अपन 20 केजी बना के 3 महीने तक का किड्स दे देते हैं। अच्छा, 3 महीने के अंदर 20 केजी पहुँच जाता है ये। हाँ, अपन बुकिंग लेते हैं लोगों से, छोटे बच्चे का वीडियो वगैरह उनको दिखा के, और 20 केजी करके ओके, डिलीवर देते हैं डिलीवरी उसके। करते हैं। अगर समझो सर कोई मुंबई से पूना से अगर किसी ने आपको इसका फोटो और वीडियोस मंगाया तो उस पर सिलेक्शन करके आप सेंड करते हैं क्या उनको? हाँ, उस पर आप उन वीडियो डालते हो, उनको बोलते हैं सिलेक्शन कर दो। अगर किसी को उनके फार्म पे आके सिलेक्शन करना है तो फार्म पे आके भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर समझो किसी ने पूना या मुंबई से ऐसे वीडियो या फोटो पे आपको सिलेक्शन करवा के भेजने के लिए बोला तो आप उसका ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं सर? ट्रांसपोर्टेशन का इधर से प्राइवेट गाड़ी से भेजते हैं, और प्राइवेट गाड़ी से भी कभी कभी खर्चा ज़्यादा आता है, तो अगर किसी की गाड़ी जाने रहती है वगैरह, वो एडजस्ट करके कम रेट में वो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कम का ऐसा बटे बैठेगा, ये वो देख हिसाब से के आप वो बेचते हिसाब हो। से अपन भेजते हैं। मतलब कोई किसी को अगर बोर के किड्स चाहिए रहेंगे तो सूरज सर के पास अभी बोर के किड्स अवेलेबल है सेल के लिए। तो अगर पूना मुंबई कोई अगर वीडियो देखता रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना है उसके लिए। आपको जगह पे वहाँ पे एनिमल्स ला के दे देंगे, पर ये जो एनिमल्स है ये 16 से 20 केजी करके आपको इसका हैंड ओवर मिलेगा। सर थोड़ा किड्स मैनेजमेंट के बारे में बताइए, अगर किसी ने आपके यहाँ से छोटे बच्चे खरीदे किए एक 2 महीने 3 महीने के, तो उनको कितने महीने तक दूध पिलाना चाहिए या उनको क्या चारा खिलाना चाहिए, वो कौन से चारे पे अच्छा उनका वेट गेन होता है सर? ऐसा कुछ नहीं है, दूध पिलाने का भी अपन बॉटल से दूध पिलाते हैं ऊपर का, तो आप उनको एक 5-6 महीने तक भी दूध पिला सकते हैं, उसका वेट गेन अच्छा बन जाएगा। कम से कम 1-4 महीने तक तो पिला दीजिए ऊपर का। वैसे तो माँ का 3 महीना दूध पिलाया तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। 2 महीना, 2 से 3 महीने तक अगर आप दूध पे रखेंगे बच्चे तो भी चलता है, उसके बाद वो सब खाना खाना शुरू करते हैं। ओके, सब खाते हैं वो, सब चारा खाते हैं, पर आप अपने फार्म पे क्या उनको पाउडर देते हैं सर? मेरे फार्म पे मक्का रहता है, जो दाना रहता है मक्के का, वो मक्का और गेहूँ रहता है, और जो शेंग दाना पेंड बोलते हैं उसको यूज़ करते हैं हम लोग। ओके ओके। अगर सर कोई आपसे ईद के लिए या मुंबई पुणे में कोई शौक के लिए आपसे खरीदी करके लेके गए अभी तक? हाँ, बहुत लोग लेके गए, शौक के लिए भी लेके गए, ईद के टाइम भी बड़े बड़े बकरे रहते हैं तो अपन दे देते हैं लोगों को। ओके। कुछ लोग कुर्बानी के लिए अपन के इधर बकरे भी लेके रखते हैं पलाई पे। हाँ, पलाई पे भी आपके यहाँ पे रखते हैं। ओके, आप कितने मतलब आपका एक्सपीरियंस है सर, ईद के लिए आपने कितने केजी तक का मेल सेल किया आज तक? ईद के लिए वैसे 100 केजी तक का सेल किया है मेरे अपन ने। 100 केजी के ऊपर तक जाता हाँ, है। जाता है बोर का। अभी सर अपने पास कितने किड्स है सर सेल के लिए अवेलेबल? अभी किड्स तो मतलब एक 15-20 किड्स है अभी सेल के लिए अपन के पास। उसमें एक 8-9 फीमेल है और एक 10-11 मेल है। सब स्टड क्वालिटी के बच्चे हैं। स्टड क्वालिटी के बच्चे हैं सर। ओके।
अगर किसी को सर लेना रहेगा तो उनको बुकिंग करना पड़ेगा या हाँ, डायरेक्टली ये हो? जो छोटे बच्चे हैं अभी, ये बुकिंग करके रखना पड़ता है और 20 kg करके अपन दे देते हैं। जब वो 20 kg का रहता है बच्चा तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर एक बार आपका इंट्रोडक्शन फिर से दीजिए। मेरा नाम सूरज देवकर है, मेरा फार्म फल्टन से कुछ ही दूरी पे, 5-6 किलोमीटर पे काशीदवाड़ी बोल के एक विलेज है, उधर मेरा फार्म है। मेरे पास सब बोर गोट है। ये जो सब निमकर लाइन की जो फीमेल है, ये सब अपन फुल ब्लड से ब्रीडिंग करवाते हैं। ये जो आपको सब जो बच्चे दिख रहे हैं सब स्टड क्वालिटी के बच्चे हैं। इनका बाप जो है वो फुल ब्लड है, इनकी माँ जो है निमकर लाइन है।